हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट तुम्हारा जो कॉस्ट का पेपर है बच्चों लोग केटी केटी का, तो बैफ वाले टेंशन मत लो। अब जिसको केटी लग गया, चलो लग गया, अभी तक सॉल्व करना है। तो 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव से अच्छे से लेक्चर अपलोड कर दिया, क्या पढ़े कि पास हो जाए। पहले मार्जिनल कॉस्टिंग सीखो, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में 5-6 फॉर्मूला, इसमें भी 5 फॉर्मूला, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लो, कॉपी मत लेके आना, ठीक है। ये दो चैप्टर तो करना ही है, फिर उसके बाद ना आपको फ्लेक्सिबल बजट करना है और कैश बजट करना है, ओके। मैनेजर डिसीजन नहीं जमता छोड़ दो, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट, ओके। फ्लेक्सिबल इजी है, कैश बजट थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ओके। और मेन बात मैंने क्या था, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी दे दिया हो तो उसमें ज्वाइन ले जाओ, लेक्चर सेंड कर रहा हूँ। हमारा नंबर भी दे देता तुमको, जो भी डाउट है मैसेज कर दो, या लेक्चर चाहिए तो मैं तुमको सेंड कर दूंगा, प्यार से गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स आएगा, शॉर्ट नोट का मेन कैसा है ना, बच्चा फेल इसलिए होते हैं क्योंकि शॉर्ट नोट नहीं लिखते। तो हर एक चैप्टर के बाद एक शॉर्ट नोट बना दो, और शॉर्ट नोट कैसे प्रेजेंट करना वो भी मैंने समझा दिया, अपलोड कर दो, ठीक है। बस इतना ही बोलने का था, अच्छे से पढ़ लो, बाकी जो भी हो अपन देख लेंगे, ठीक है। अपलोड कर दिया है रे, पढ़ने का है बस, ठीक है, चलो।